तो मेरे पास आया हुआ है हुंडा एक्टिवा। ये क्या हो रहा है, गाड़ी की जो सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक से बराबर परफेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो रही है। पहले आपको दिखा देगा सब कुछ, उसके बाद मैं बताता हूँ गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होता क्या है। बहुत बाई चांस बहुत कम होता है, जैसे अभी ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो थ्रू से आप उसको बहुत ईजी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको दिखा दे, देखिए ये हॉर्न चालू है और जो आपको एक इसमें आगे एक साउंड आता है, आपको साउंड भी सुना दे रहा हूँ मैं। देखिए ऐसे साउंड आ रहा है। तो ऐसे क्या चीज़ का प्रॉब्लम होता है, अभी आपको मैंने साउंड दिखाया टिक टिक जो साउंड होता है रिले का, वो साउंड कभी कभी रिले के भी प्रॉब्लम रहता है, तो ज़्यादा करके रिले का प्रॉब्लम होता है। और भी हमारी बहुत सारे से वीडियो बनी है कि किसमें मैंने बताया हूँ रिले ख़राब है, किसी का स्विच ख़राब है, किसी का वायर टूटा हुआ है, ऐसे जो वीडियो हमारी बहुत बनी है सेल्फ स्टार्ट जो प्रॉब्लम होता है। आज ये गाड़ी में नया प्रॉब्लम है, ऐसे मैंने और भी गाड़ी का जैसे सुजुकी एसएस का भी सॉल्व किया हूँ मैंने, तो वापस रिपीट कर रहा हूँ। अभी वापस दिखा दीजिए, सब सब चालू है। आपको अभी स्टार्टर हम लोग इसको जो इसको बोलते मोटर, अभी हम लोग मोटर ओपन कर रहे हैं, देख लीजिए ये अंदर एक मोटर आता है जिसको हम लोग स्टार्टर बोलते हैं, यहाँ लगा हुआ रहता है अंदर। अभी इसको ओपन कर दिखा दे रहा हूँ कि अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है। अभी जो ओपन हो रहा है इसमें अंदर दो बोल्ट आता है, ये देख लीजिए ऐसे दो बड़े बड़े बोल्ट लगा हुआ रहता है। कई बाई चांस आप सोचोगे हम अपने घर पे काम कर लो, तो इसके लिए आपको एक 8 का T पाना चाहिए बड़ा, तभी आप खोल सकते हैं। देख लीजिए वहाँ से वहाँ तक बड़ा पाना आता है, हम लोग बोलते हैं 8 का T पाना। तो 8 का T पाना से इसको ओपन कर दे, फिर आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ी के अंदर जो होता है प्रॉब्लम क्या है, जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब ये देखिए स्टार्टर हो गया हुआ है ओपन, जिसको बोलते हैं मोटर, ये ओपन हो चुका हुआ। अभी इसको हम पूरा इसको आपको खोल के दिखाते तो क्या इसके में प्रॉब्लम होता है, किस लिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अभी इसको ओपन हो चुका हुआ है, ये देख लिए 8 का 1 वोल्ट आता है, वो भी ओपन करना पड़ता है, और इसके अंदर भी और भी 8 का वोल्ट आता है, वो भी ओपन करना पड़ता है। ये देख लीजिए, अभी खाली आपको दिखा रहा हूँ इसको ओपन करके कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है। ये देख लीजिए सब चीज़ सब इसका देख लीजिए, अंदर का जो लॉक चुम्बक होता है ये भी अंदर कहीं टूटा हुआ नहीं, कभी कभी टूटा हुआ रहता तभी प्रॉब्लम देता है। अंदर का बुच होता है वो भी सही है। अभी हम इसको बोलते हैं आर्मेचर, इसको हम ओपन निकालते हैं, इसको बाहर दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए ये बाहर निकल चुका हुआ है, देख लीजिए आर्मेचर भी आपको दिख रहा होगा, इधर सही है, पूरा परफेक्ट दिख रहा है। इसको बोला जाता है आर्मेचर, और जो होता है कार्बन, कार्बन देखिए ये जो कार्बन होता है, कार्बन भी समझ लो यहाँ से देखिए शॉर्ट होके अंदर से चिपक गया था, तो इसमें ज्वाइंट हो गया था। तो कार्बन कैसे है, अंदर बाहर चलता है कार्बन, तो समझ लेना ये जो कार्बन घड़ी घड़ी शॉर्ट हो रहा है, ये देख लीजिए। तो इसको मैंने और भी बनाया था एक बार, तो अभी ये दूसरी बार खोला हूँ, कल ही बनाया था मैंने, लो वापस अभी वापस ओपन किया, देख लीजिए वापस चिपका हुआ था। किस लिए चिपकता है, क्योंकि कभी ये आर्मेचर ये जिसको बोलते हैं आर्मेचर ये शॉर्ट रहता है, तो इसके वजह से कार्बन घड़ी घड़ी ख़राब कर देता है। शॉर्ट मतलब आप सोचते हो कि यहाँ से शॉर्ट होता है, यहाँ से नहीं शॉर्ट होता, अंदर इससे वायरिंग किया हुआ रहता है, तो अंदर से शॉर्ट सर्किट रहता है। शॉर्ट सर्किट क्या करता है, ये कार्बन को शॉर्ट कर देता है, कार्बन घिसा जाता है, शॉर्ट नहीं होता है। कभी भी सोच लीजिए कि अभी एक घिसा नहीं जाए, घिस भी रहा था मतलब शॉर्ट भी हो रहा है। जब पूरा घिस जाता है नया कार्बन डालते हैं, तो इसको बहुत ईजी से गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट चालू हो जाता है। तो अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये पूरा जो मोटर होता है, ये जो स्टार्टर होता है, हम पूरा इसको चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा डाल रहे हैं। अभी इसको निकल के साइड में इसको रख दे रहा हूँ मैं, अब दूसरा मोटर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी हमने दूसरा
मोटर ये देख लीजिए, ये मोटर है इसका खोला हुआ, ये मोटर हमारे पास पड़ा हुआ है स्टार्टर। हमारे पास दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल जूनी गाड़ी का पड़ा हुआ था, हमने रखे हुए थे कि हमारे पास का गाड़ी आता हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको ला के रखते चोर बाजार से, तो हमको काम आ जाता है। अब ये क्या करता हूँ, पूरा जो स्टार्टर होता है पूरा इसको चेंज करेंगे, चेंज करने बराबर जो इसका सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये था कि इसका कार्बन घड़ी घड़ी शॉर्ट हो रहा था, इसलिए इसका सेल्फ स्टार्ट नहीं चल रहा था। अब इसको हम पूरा अच्छे से फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने का जो तरीका है वो बताता हूँ मैं। फिटिंग करने का तरीका ये है, देख लीजिए, लाल वायर जो इसको बोलते हैं रेड कलर, उसमें वाइट कलर का वायर है तो यहाँ लगता है। इसको मेन में है ये बॉडी में, अगर 800 तो होगा तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, तो इसके लिए पूरा इसको अच्छे से इसको फिटिंग करता हूँ, फिर मोटर अच्छे से इसके अंदर फिटिंग करके फिर आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी दिख रहा होगा मोटर पूरा, मैंने इसको जिसको स्टार्टर बोलते देख लीजिए, यहाँ आपको दिखा देता हूँ, मैं हाथ से पूरा फिटिंग कर चुका हूँ। ये जो जूना वाला है यहाँ पड़ा हुआ है, अभी इसको हम सेल्फ स्टार्ट मार के दिखाते हैं, बराबर परफेक्ट, और एक बार मार के देख लेते हैं, बराबर परफेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो रही है। गाड़ी का भी सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम यही था कि इसका जो आर्मेचर था वो ख़राब था, इसकी वजह से जो कार्बन होता है वो जल जा रहा था। वापस रिपीट कर देना, वापस एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, एक दो कार्बन आता है, एक कार्बन यहाँ देखिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सही दिख रहा है और ये थोड़ा से जला हुआ दिख रहा है, देख लीजिए ऐसे ख़राब हो चुका हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत जल्दी से आपके पास पहुँचेगा।